छोटी सी उम्र में आसमान छू लेने के सपने देखने वाली असम की हिमा दास ये वो खिलाड़ी हैं जिसने 18 साल की उम्र में भारत के लिए पहली बार IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। हिमा एक संयुक्त परिवार से हैं, उनके घर में कुल 16 सदस्य हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बस अपने खाने पीने की व्यवस्था ही हो पाती है। आपको बता दें कि हिमा भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने भारत के लिए IAAF विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इससे पहले जूनियर और सीनियर खिलाड़ी में से किसी ने भी भारत को गोल्ड नहीं दिलाया। हिमा के कोच ने बताया कि हिमा के घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके पिता किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जबकि माँ घर संभालती हैं। हिमा जिस जगह से आती हैं, वहाँ अक्सर बाढ़ भी आती रहती है। इस वजह से भी परिवार को कई बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकाल कर स्वर्ण पदक जीता। उनके पीछे रोमानिया की एंड्रिया मिक्लोस 52.07 सेकंड के साथ दूसरे और अमेरिका की टेलर मैनसन 52.07 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। हिमा दास की इस उपलब्धि पर स्टोरी हाउ की टीम उनको बधाई देती है और कामना करती है कि आने वाले दिनों में भी वो देश के लिए ऐसे ही नाम कमाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhow.in। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर